हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस वॉइस। तो आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट का। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे अल्टीमेटर क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी मदद किए हैं हमारे ही सीनियर ने, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है चॉक्स ऑन टू चॉक्स ऑफ। आपने अक्सर देखा होगा हमारे वीडियो पर कमेंट। तो इनका खुद का चैनल है और ये मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो अगर आपको भी कोई क्वेरी आता है या आपको इंटरेस्ट है मेंटेनेंस रिलेटेड कोई वीडियो देखने का, तो आप इनके चैनल को ज़रूर देखें। इनको भी ढेर सारा प्यार दें जैसे आप हमें देते हैं। एक बार ज़रूर उनके चैनल को चेकआउट करें। मैं लिंक जो है उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो एवियोनिक्स का, चाहे वॉट एवर, जो भी आपका एयरक्राफ्ट, पूरे एयरक्राफ्ट में जो भी आपका डाउट है, आप इनसे कमेंट कर सकते हैं, ये आपको आंसर बताएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्टीमीटर क्या होता है और इसका पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में भी हम देखेंगे मॉडर्न एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा ओल्डर एयरक्राफ्ट में कंस्ट्रक्शन कैसे होता था अल्टीमीटर का। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अल्टीमीटर कितने टाइप का होता है, इंडिकेशन वाइज अल्टीमीटर कितने टाइप का होता है। और चौथा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है अल्टीमीटर सेटिंग क्या क्या होते हैं। सेटिंग मीन्स QFE, QNH और QNE की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टीमीटर क्या होता है। तो अगर यार बात करूं मैं अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर एक तरह का एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट और ग्राउंड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। इट मीन्स कि वो हाइट बताता है, एल्टीट्यूड बताता है, तो यही इसका पर्पस भी होता है। तो अल्टीमीटर जो होता है हमारा, वो स्टैटिक प्रेशर को, जो जहाँ पे भी, जिस हाइट पे भी एयरक्राफ्ट उड़ता है वहाँ के स्टैटिक प्रेशर को रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है हाइट में। अब हाइट में कैसे कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें जो ग्राफ बनता है उसके अकॉर्डिंग ये हाइट को चेंज करता है। अब सपोज करो कि जो अल्टीमीटर का सेंसिंग एलिमेंट है उसने सेंस किया 14.7 PSI, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ISA के अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंड लेवल खड़ा है, तो हाइट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है अल्टीमीटर। अब आगे हम देखते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन में हम दो तरीके से देखेंगे, ओल्डर एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन कुछ और होता था और मॉडर्न एयरक्राफ्ट में कुछ और होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्डर एयरक्राफ्ट में क्या होता था। तो ओल्डर एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ओल्डर एयरक्राफ्ट में हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते थे वो डायरेक्ट रीडिंग हुआ करते थे। इट मीन्स कि हमारा सेंसिंग और इंडिकेशन दोनों एक ही केस के अंदर होता था। वैसे ही अल्टीमीटर में भी दोनों फंक्शन एक ही केस के अंदर होता था। तो अब अल्टीमीटर की अगर मैं बात करूं ओल्डर एयरक्राफ्ट में, तो इसमें एक लाइन आती थी स्टैटिक प्रेशर की जो इसके अंदर आती थी, और इसके अपोजिट एंड पे फ्रंट जो इसका एज था वहाँ पे इंडिकेशन होता था, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, एक एंड से एयर जो पीछे के एंड, जो पीछे का एंड है वहाँ से एयर, स्टैटिक एयर अंदर एंटर कर रही है, और दूसरे एंड पे नीडल लगा, हमारा पॉइंटर लगा हुआ है जो कि हमारी रीडिंग बता रहा है। अब इसका फंक्शन कैसे होता था, तो इसके अंदर होता है एक बेलोज, ठीक है, जो कि प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट होता है। अल्टीमीटर का प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट बेलोज होता है। तो अगर आपको प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो हमारे वीडियोस को जाके देखें। मैं प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट का जो वीडियो था मैं दे दूंगा आई बटन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फर्दर हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो प्रेशर सेंसिंग में हमारा हो गया बेलोज, ठीक है, और ये जो बेलोज होते हैं वो एनरॉइड बेलोज होते हैं। इट मीन्स इसके अंदर वैक्यूम करके इसको सील्ड किया गया है, ठीक है, ये इस तरह का बेलोज होता है। तो अब होता ये है कि जैसे जैसे हमारा एयरक्राफ्ट हाइट गेन करता है, ठीक है, और हाइट गेन करता है तो आपको पता ही है कि हाइट जब गेन होता है तो हमारा जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू ISA, ठीक है। अब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ये जो हमारा बेलोज है इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर जो स्टैटिक प्रेशर अभी आ रहा था इसके ऊपर, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। इट मीन्स कि जो हमारा ये बेलोज है वो एक्सपेंड करेगा। अब जब एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा कि तो हमारी हाइट क्या दिखाएगी, ज़्यादा दिखाएगा, इंक्रीज होगा हाइट में। अब जैसे जैसे हमारा एयरक्राफ्ट डाउन होगा, ये जो हमारा बेलोज होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमारी रीडिंग जो है वो कम होगी। तो इस तरीके से ये जो है हमारा वर्क करता है ओल्डर एयरक्राफ्ट का, जो भी हमारे अल्टीमीटर होते थे इस तरीके से वर्क करते थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है
कि अल्टीमीटर में कितनी लाइंस जाती हैं उसके केस के अंदर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आप मॉड्यूल 5 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना है कि अल्टीमीटर में सिर्फ सिंगल लाइन आती है स्टैटिक प्रेशर की। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट में क्या होता है। तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में मैं बात करूँ तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 आपका स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक पोर्ट जो कि बाहर लगा होता है एयरक्राफ्ट के बाहर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका भी। तो सबसे पहले बाहर होता है, उसके बाद क्या होता है बीच में हमारा आता है ADM, जिसको बोलते हैं एयर डेटा मॉड्यूल। ये एक तरह का कंप्यूटर होता है, जो भी रीडिंग हमारी आती है, जो भी प्रेशर आता है स्टैटिक पोर्ट से, ये इसको कन्वर्ट करता है हाइट में, ये सेंस करता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है इसको हाइट में। और लास्ट स्टेप होता है इंडिकेशन, और ये इंडिकेशन कहाँ होता है PFD पे। तो बहुत ही सिंपल सा मॉडर्न एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है। स्टैटिक पोर्ट से स्टैटिक प्रेशर अंदर आता है, ADM उसको कन्वर्ट करता है हाइट में, और उसके बाद इंडिकेट करता है हमारा PFD पे। अब देखो इसमें से क्वेश्चन ये आएगा कि हमारा जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हमारा जो अल्टीमीटर होता है वो कहाँ पे इंडिकेट करता है अपनी हाइट। तो याद रखना आप, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हमारा जो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर जो होता है वो PFD पे दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपसे कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अल्टीमीटर कितने टाइप का होता है। तो बताऊँ मैं आपकी इंडिकेशन वाइज अल्टीमीटर जो होता है हमारा 2 तरह का होता है। नंबर 1 जो फीट में रीडिंग दे, नंबर 2 जो मैट्रिक रीडिंग देता है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम इस क्लिप में। वी आर इन एयरबस A320, सो ऑलमोस्ट ऑल एयरबस फ्लीट विल हैव सेम थिंग। दिस इज अवर PFD एंड दिस इज योर अल्टीट्यूड बार, इट इज शोइंग इन फीट, ओके दिस बार। Now, if you want to see in meter, this aircraft is not pin programmed for showing in meter, but usually there is a switch on FCU, flight control unit, so there is a metric altitude. So once you press this, your altitude in meters will be shown over here in green color, okay, on PFD, below this bar. And the selected altitude, whatever we are feeding in FCU, it will be shown over here in cyan color. And letter M will be mentioned just after the altitude in meters, okay. There's one more place on lower ECAM over here, whatever you are selecting feeding in the FCU, it will be shown over on the lower ECAM, okay. So let me press it over here and you can see it. So this is your altitude selection on FCU, which is 30 meters. So once you select any value over here, it will change, okay. So this is altitude selected in meters, 152. And in other aircraft, it will be the current altitude will be shown over here in meters and the selected altitude over here. Now there is in older aircraft, we had one separate instrument, metric altitude instrument, okay, the altimeter for metric unit. So instead of that, in this 320 new aircraft 214 and this NEO, we have ISIS. So this is your integrated standby instrument system over here. You can see this one is your feet, altimeter in feet, and this one is in meter, the altitude in meter. Right now, as per the standard, it is 89 meters, this one. So once you press in barometric, you can change the setting, you can see the value is changing over here, okay. So the current altitude in meters is shown over here on ISIS, and in some aircraft it will be shown with this bar, okay, once you press the switch on metric altitude switch on flight control unit. We are in A320-212, this older aircraft. So as we saw in the previous video, this is the PFD and this is your altitude tape bar, and this is the switch on flight control unit. So once we press this switch, we can see the metric altitude over here, okay. And in this aircraft we are not and nothing is shown over here, the selected altitude. So I'll press this. So this is your current altitude in meters, 10 meters, and this is the target altitude, which is in CN, 30 meters, okay. And this is your ISIS, here also it is showing 9 meters current altitude. और आज का जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि था कि अल्टीमीटर में सेटिंग कौन कौन सी होती हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था,
जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी रीडिंग होती हैं, ठीक है, और किनको क्या बोलते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप हमारे सर का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के क्लिप में देखा कि कितना बढ़िया उन्होंने समझाया, सीधे आपको लाइव एयरक्राफ्ट पे जाके आपको वो सारी चीज़ें समझाई आपको, तो आप देख सकते हैं कि इनके समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो आपको इनके चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ जाके आप हमारी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट पर जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार उनको भी दिखाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।